अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनुस खान। दोस्तों, पठान खिलाड़ी यूनुस खान ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। खान साहब, आप पर मेरी जान भी कुर्बान। अगर मेरी खवातीन को कोई गिरफ्तार करने आया तो अपना अंजाम भी देखेगा। खान साहब, मुझे पता है कि आप मुश्किलात से दो चार हैं। मेरी तरफ से तहरीके इंसाफ के लिए छोटा सा तोहफा कबूल करें। दोस्तों, यूनुस खान की मुकम्मल वीडियो दिखाने से पहले आपको ये भी बता देंगे, इमरान खान से मुलाकात के बाद यूनुस खान ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज यूनुस खान। ये सारे हमारे लिए सोचने की बात है कि इन बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, आज के बच्चों को क्या दे रहे हैं, आज के यंगस्टर्स को हम क्या दे रहे हैं। मैं किसी को बोलता हूँ कि ताकतवरों को शायद ये नहीं पता कि मीडिया पर रेटिंग आती है इमरान खान को दिखाने से, लेकिन अब इन्होंने इमरान खान जैसे बड़े लीडर का नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी है। मैं देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बगैर पाकिस्तानी मीडिया कैसे पैसे कमा सकता है। हुकूमत स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग अपने मफादात के लिए पाकिस्तान तक की परवाह नहीं कर रहे। यूनुस खान ने मजीद कहा कि इस तरह के इक़दामात से मुल्क मजीद गुर्बत का शिकार होगा, इसीलिए आने वाली नस्लों को बचाने के लिए मैं पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज यूनुस खान। ये सारे हमारे लिए सोचने की बात है कि इन बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, आज के बच्चों को क्या दे रहे हैं, आज के यंगस्टर्स को हम क्या दे रहे हैं। मैं किसी को बोलता हूँ कि खान साहब, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।